तेघरा थाना अंतर्गत पिरौली डकबांगला चौक के समीप सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हुए व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत, परिवार में पसरा मातम। विदित हो कि एक सप्ताह पहले तेघरा थाना अंतर्गत डकबांगला चौक के समीप अज्ञात कारण से एक वृद्ध दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें इलाज के लिए एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। बाद में परिवार वाले पहुंचे और इलाज के दौरान पिछले एक सप्ताह से वो जीवन और मौत के बीच जूझ रहे थे। हालांकि आज अहले सुबह उनकी मौत हो गई। उनके मौत के बाद ज्यों ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया तो परिजन उनके शव को लेकर उनके पैतृक गाँव दुलारपुर आ गए। यहाँ आते ही कई प्रकार के कयासों का दौर भी शुरू हो गया। विदित हो कि इस दुर्घटना के बाद आवेदक के पुत्र के द्वारा तेघरा थाना में एक आवेदन भी दिया गया था। हालांकि उस आवेदन की कार्यवाही में पुलिस पदाधिकारी भी जुटे हुए हैं। दबी जुबान लोग कई प्रकार की बातें भी कह रहे हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेके झारखंड सरकार के पूर्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सह वर्तमान भाजपा नेता सुनील कुंवर ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने सीधा सीधा सवाल प्रशासन से किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। ये घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, पुलिस के जांच में है। मेरा मानना है और मेरा कहना है कि प्रशासनिक विफलता है। सूचक के द्वारा पुलिस अधीक्षक बेगूसराय को सूचित किया गया और उनके द्वारा रात्रि 1 बजे की थाने को सूचित किया गया कि भाई उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के उपरांत अभी 8 बजने को है, लेकिन प्रशासनिक महकमे के कोई भी एक अदना सा एक चौकीदार भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। यह दर्शाता है कि कितनी राज्य की विधि व्यवस्था कितनी गिरी हुई है और स्थानीय प्रशासन कितनी निकम्मी है। उन्हें कोई भी इस चीज़ का ये नहीं है। जब उन्होंने FIR किया है तो जांच का विषय है किस रूप में किस स्थिति में मृत्यु हुई, क्या इन्हें बगैर पोस्टमार्टम को ही उठने का आदेश वो देंगे, क्या इन्हें पोस्टमार्टम कराएंगे, आखिर स्थानीय प्रशासन के मन में क्या चल रहा है, क्यों इतना विलम्ब हुआ। जब आला अधिकारी जिले के कप्तान को रात में सूचना मिलता और उनके द्वारा थाने को सूचित किया जाता और सूचक को भी उनके द्वारा सूचित किया जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पुलिस अधीक्षक बेगूसराय उन्हें कि उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, लेकिन उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई के बावजूद भी क्या इतना निरंकुश स्थानीय प्रशासन है जो अपने ढंग से चलना चाहता है, अपने ढंग से काम करना चाहता है। यहाँ क्या क्या घटना, कितनी घटना घटी, ये सिर्फ और सिर्फ स्थानीय प्रशासन यदि इसमें सक्रिय रहता तो आज घटना दर घटना नहीं होती।